माइकल जॉर्डन। आई मीन ये तो पार्ट की हॉबी है ना, तुम्हें बास्केटबॉल का शौक कब से चढ़ा? बास्केटबॉल खेलने से पहले भी पार्ट से एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा। तुम कभी सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते? हॉस्टल रूम में जाओ, पार्ट का सर खाओ, सुबह सुबह डोंट मेस अराउंड विद मी। वो मुझसे बात करे तब ना, वो दफर तो कुछ समझता ही नहीं। मुझे प्यार होना भी था तो उस जैसे सीरियस हंग से। अब वो थोड़ा सेंसिटिव, थोड़ा रोमांटिक नहीं हो सकता क्या? होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें जो कुछ चाहिए वो मिले, क्योंकि अगर सब कुछ मिलने लगा तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती। उपली, तुम्हें प्यार की कोई वैल्यू नहीं होगी, मेरा केस तुमसे बहुत अलग है। और नहीं तो क्या, तुम्हारा और सविता का सीन एकदम सॉर्टेड है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम दोनों एक साथ नहीं हो। उसको दूसरों के चैलेंजेस अपने चैलेंज से हमेशा इजी लगते हैं। तुम्हें कौन सा चैलेंज है? अब तो उसकी सगाई भी टूट गई, ये भी कंफर्म है। अगर नहीं भी टूटती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी फीलिंग्स कोई थर्ड पार्टी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। यार राइट, आई विश मेरी सिचुएशन भी तुम्हारी तरह टू साइडेड होती। अब तक मैं और पार्थ अपना थर्ड और फोर्थ एनिवर्सरी मना रहे होते, लेकिन यहाँ मेरी स्टोरी तो वन साइडेड होकर रह गई है, जहाँ मैं ही अकेले कहीं पे भटक रही हूँ। तुम्हें पता है मैं और सविता साथ में क्यों नहीं है? क्यों बोलो, कम से कम एक वैलिड लॉजिकल रीजन तो दो क्यों तुम और सविता एक साथ नहीं हो। मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। अरे पागल हो गया तुम, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती? तुम लोग चाहे जो कुछ भी सोच लो, बट माई लव फॉर पार्थ इज ट्रू।